आप चले नहीं नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है राखी हम लोग सुबह से शाम तक हम लोग को मना कर देती हूँ उन लोग क्या का मतलब नहीं नहीं दिया हुआ है भाई सबको दिया है गाड़ी कहाँ है कल भी हम लोग राखी जी गाड़ी आ गई तबीयत ठीक नहीं है मेरी उन लोग कुछ नहीं कवर करने के बावजूद हमको मैंने गाड़ी में दिया है हम लोग तो इतना कवर करते हैं आपको हम लोग भी हो जाते हैं अरे कहा घुसा डाले यार एक घंटे का चलो चलो कंपनी जी आज राखी के केस में एक नया स्टेटमेंट मिला है एडवोकेट ने से कहा है कि फिर से केस कुछ चीजें कुछ सेक्शन ऐड होने वाले हैं उस पर आपको क्या नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बेल एप्लीकेशन थी आज आदिल की जो हम लोग अपोज करने गए थे पर मैजिस्ट्रेट थे नहीं इसके लिए मंडे की तारीख पड़ी कोई इसमें कोई चेंजेस नहीं है कुछ नहीं है एज इट इज़ जो केस चल रहा है वैसे ही चलेगा आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा एक स्टेप बाय स्टेप लीगल प्रोसीजर्स होती है अभी इन सब चीज़ों में जाके कोई मतलब नहीं धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा जैसे कि राखी ने कहा है कि उन्होंने कई एविडेंस दिए जिससे ये प्रूफ होता है कि आदिल ने उन्हें मारा है या उनको मारने के निशान है तो क्या उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे एविडेंस है जो हमने पुलिस स्टेशन में दिए एविडेंस होने की वजह से ही FIR दर्ज हुई है एविडेंस नहीं होती तो FIR नहीं दर्ज होती एविडेंस है आज हमने पुलिस में दिए है कल हम कोर्ट में देंगे सब कुछ है। तो इसके अलावा राखी ने और भी कई इल्ज़ाम लगाए हैं आदिल के ऊपर तो आपको क्या लगता है आदिल का मतलब बेल जो है वो रिजेक्ट होगा या फिर वो आगे चल के क्या कुछ होने वाला है देखिए बेल रिजेक्ट होगा या नहीं होगा ये तो कोर्ट डिसाइड करेंगे हमारा काम है कि राखी की तरफ से जो भी दलीलें हैं पेश करना है वो हम करेंगे अब वो कोर्ट का डिस्कशन होता है बेल देनी या नहीं देनी मैं इसके बारे में ये नहीं कहूँगी कि बेल होगी या नहीं होगी जो भी चीज़ें हम कोर्ट के सामने पेश करेंगे उनके वकील करेंगे फिर कोर्ट डिसाइड करेंगे कि करना क्या है और आने वाले दिनों में आपको सारी सच्चाइयाँ पता चलती जाएगी और सब सबूत है हमारे पास सबूत देने का मतलब ये नहीं होता कि कोर्ट उसको मानती है या नहीं मानती वो कोर्ट पे डिपेंड करता है तो फिलहाल उसके ऊपर कोई बात करके मतलब नहीं आज तो कोर्ट में जज मौजूद नहीं थे उसके अलावा भी आप लोगों की अगली तारीख के लिए क्या कुछ प्लानिंग चल रही है आप लोग क्या कुछ दिखाने वाले हैं कोर्ट ने डेट दी है हमें डेट मिली है सरकारी वकील है वो अपनी तरह से सारी तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में जो अब उनकी बहस होगी आदिल के वकील की जो बहस होगी उसका हम काउंटर जवाब देंगे वो क्या कहते हैं उनके एप्लीकेशन में क्या लिखा गया है उसके बेसिस पे हम हमारा काउंटर रिप्लाई करेंगे और फिर आगे जो होना है वो कोर्ट की मर्जी है बेल हो जाएगी तो क्या होगा बेल होगी लेकिन केस तो चलेगी बेल होगी तो केस चलेगी केस तो ख़त्म नहीं होगी ना केस तो चलती रहेगी बेल हो जाने से केस खत्म नहीं होती है अरे भाई सुबह से बोल रहे हूँ